दिल्ली में युवा मोर्चा की होने वाली बैठक और संसद की कार्यप्रणाली से वाकिफ होने के लिए इंदौर जिला भाजपा युवा मोर्चा दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सरकार की रणनीति को भी समझेंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने संगठनों में कसावट करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अब की बार 200 पार के नारे के साथ इंदौर जिले का भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रवाना हुआ, जहां वे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व के पदाधिकारियों के साथ कामों को समझेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियों से भी रूबरू होंगे। इस मौके पर इंदौर भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह ने बताया कि दिल्ली में इंदौर जिला युवा मोर्चा संसद की कार्रवाई को बारीकी से समझेगा, साथ ही अन्य प्रदेश से आने वाले युवा मोर्चा की रणनीतियों को भी जानेगा। इसके बाद वे गांव-गांव में युवा संसद चलाएंगे। ये जो हमारी यात्रा है युवा मोर्चा इंदौर ग्रामीण जिले की, हम संसद में जो कार्रवाई चल रही संसद में, वो कार्रवाई पूरे युवा मोर्चा की टीम के साथ में संसद में कार्यवाही को देखेंगे और जिस तरीके का एक माहौल देश में मोदी जी के नेतृत्व में देश का चल रहा, हम वहाँ से आने के बाद में गांव-गांव में युवा संसद का भी एक कार्यक्रम युवा मोर्चे के माध्यम से करेंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों से युवा मोर्चा जिले के पदाधिकारियों, मंडल के पदाधिकारियों को मिलना होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर भी हम जाएंगे। आगामी 100 दिन में मध्य प्रदेश में चुनाव है और हमारा लक्ष्य ये है कि इंदौर ग्रामीण जिले की जो 4 विधानसभा है, वो चारों की चारों, 3 तो अभी हम जीते हुए हैं, 1 ग्रामीण जिले की जो राऊ विधानसभा कहीं ना कहीं हमारी छूटी हुई है, हम इस बार वो प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। ये एक यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम दूसरे प्रदेश से भी युवा मोर्चा से कुछ सीख के आए और हमारी कार्यशैली क्या, वो दूसरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बताएं। कुल मिलाकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय और जिला स्तरीय पदाधिकारी एक दूसरे की कार्यप्रणाली को न सिर्फ समझेंगे बल्कि चुनावी रणनीति को भी समझेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।